पूजा नवाते और मैं आई हूँ मेरे होम टाउन क्योंकि गणेश चतुर्थी है और मैं इस वक्त मेरे फार्म हाउस पे हूँ और गणपति बप्पा के सेलिब्रेशन से पहले प्रिपरेशन होती है ढेर सारी और महाराष्ट्रियन घर में खासकर मोदक के अलावा एक बेहद ही अच्छी स्वीट डिश बनाई जाती है जिसका नाम है करंजी। तो आज के व्लॉग में मैं आप सभी को बताऊंगी कि करंजी कैसे बनाई जाती है। करंजी का जो स्टफिंग होता है वो कोकोनट का होता है और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो तो मतलब मेरी मॉम मेरे भाभी वो सब बताएंगे क्योंकि आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू अबाउट इट। बट या काफ़ी इंटरेस्टिंग क्रिस्पी स्वीट डिश होती है जो मुझे बेहद पसंद है। उकड़ीचे मोदक के अलावा करंजी इज वेरी वेरी फेमस एंड हाउस होल्ड स्वीट दैट इज मेड ऑल ओवर महाराष्ट्र ड्यूरिंग गणेश चतुर्थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गो एंड सी कैसे बनाई जा रही है करंजी। और किचन में जाते हैं तो मैं अभी किचन में आई हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी मॉम बैठी है, मेरी भाभी है और ये क्या बना रहे हैं। इनको सब डिटेल में पूछते हैं स्टेप बाय स्टेप कि करंजी कैसे बनाई जाती है। आणि तुम्ही मराठीत बोलला तरी चालेल कारण का माझे खूप सारे सबस्क्राइबर्स हिंदी बोलणे कागद होते। हां हां काय रिपीटेड काय अम्मा हिंदी बोलणे कागद होते दिस सो क्यूट। ठीक आहे मग हिंदी मध्ये सांग, इट्स गुड फॉर मी एज वेल। बट वेट अ मिनट, आई विल जस्ट फ्लिप माय कॅमेरा। हाय नमस्कार, that's my amma, the greatest chef we have। ha ha ata kay apan karanja banavta to karanja banavnyasathi kay kay samagri lagtat kya kuch ingredients lagte hai karanji sweet dish banane ke liye please mere youtube ke hamare darshakon ko bataiye। maida chalun getli tyachat meat chirote rava ani tel garam karun ghatle आणि पीठ म्हणून ठेवला आणि हे आता हे पीठ कसं थंड पाण्याने मळायचं का हे सगळं मिक्स करून तो क्या क्या मैदा लेना है फिर चिरोटे रवा नमक और तेल लेके थोड़ा सा तेल गरम और ठंडे बरी उकळून तेल बहुत बॉईल करना है आपको ऑयल म्हणजे गरम गरम तेल होता ना और ये ठंडे पानी से ये मिक्सचर जो है बरोबर उस मिक्सचर का ऐसे तुझी तू बोल मैं बोलते थे अम्मा पर तू परफेक्टली बोल सकते तो ऐसे मैं ये राउंड राउंड बना के रखना है और इसके ऊपर कपड़ा रखना है ना एक घंटे के लिए गीला गीला कपड़ा इसके ऊपर रखना है एक घंटे के लिए और उसके बाद तो हम करंजी बनाने का प्रोसेस जो है वो शुरू करेंगे। अच्छा अपन मोदक पण बनवणार आहे फ्राइड मोदक राइट। ऑलराइट देन चला आपण जेवायला जाऊया बहिणी, खूप भूक लागली आहे। तू पण चल ना जेवायला। आज काय जेवणाचं स्पेशल काय बनवलंस? वडे मी जाऊन बघते। वडे आमटी वरण मी जाऊन बघते। जी बनाने से पहले हम खाना खाने वाले हैं और यहाँ पर ध्रुवी और देव है जो ऑलरेडी खाना खाने बैठ गए। ध्रुवी आणि देव काय जेवताय, काय बनवले स्पेशल आज? सांग आणि वडे भाजी ओके मी जेव तुम मला मला भरव ना देव थोडस मला भरव ना थोडस कोण भरव मला चलो अभी हम खाना खाएंगे ओके। हाँ कोकोनट के स्टफिंग के लिए सबसे पहले तो कोकोनट को धूप में अच्छे से सुखाया जाता है। तो ये करंजी के अंदर का स्टफिंग बन गया है जो कि कोकोनट से बनाया गया है लेकिन इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है वो तो मेरी मम्मी बताएगी। अम्मा याद काय काय घातले प्लीज सांग। रवा खोबरा साखर पिठी साखर पिठी साखर वेलची मीठ खसखस तीळ और मैं मराठी में बोलने जा रही थी हिंदी में भी बात करनी है तो ये स्टफिंग जो है वो करंजी के अंदर जाएगा और ये स्वीट स्टफिंग होता है और ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके ऊपर निकले ए ध्रुवी वीडियो करती गप्पा बोलता तो हमने जिस आटे का ये मिक्सचर बनाया था उसके ऐसे राउंड राउंड हमें बनाने हैं थोड़ा सा
चपटा जैसे हम पराठे बनाते वक्त या रोटी बनाते वक्त बनाते हैं राउंड राउंड। उसके बाद इसको ऐसे राउंड राउंड बनाना है। ऐसे राउंड राउंड रोटियां बनाएंगे हम, पूरी के साइज का राउंड, पूरी के साइज की रोटी बनानी है बेसिकली। क्या बोली मैं, जो भी आपको समझ में आया। मैं शेफ नहीं हूँ एंड कुकिंग के मामले में तो आई एम नॉट एट ऑल, बट या तो ऐसे छोटी छोटी पूरियां बनाने के बाद इस प्लेटफॉर्म पे हमें इसको ऐसे अच्छी तरीके से प्लेस करना है। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, और अब इसके अंदर हम ये चम्मच लेंगे सारण, इसको सारण को स्टफिंग को ऐसे सारण बोलते हैं उनको, उनको ये मॉम्स इट इज द बेस्ट। इसको ना इस राउंड को स्टिक करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मिल्क का, जैसे कि आप देख सकते हो इस मिल्क के लिक्विड को हम इस कॉटन से यहाँ पर ऐसे राउंड राउंड करेंगे इसके एंड्स को, एंड्स मीट करने के लिए, ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए और स्टफिंग जो है वो फ्राई करते वक्त बाहर ना निकले। इसके लिए हम ऐसे एंड टू एंड ऐसे सर्कल के एंड में ऐसे लगाएंगे ये मिल्क से अच्छे से, जो आटे की रोटी है, आटे की तो नहीं बनी, चावल और जो भी इंग्रेडिएंट्स मॉम ने बताया था जिससे ये बनाया गया, ऐसे राउंड अच्छे से हम बनाएंगे। और अभी द बेस्ट थिंग टू डू इज, ये काफी मतलब डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग पार्ट मेरे लिए कि इसको ऐसे स्टिक करना है और इसको ऐसे अच्छे से करना होता है ताकि इसके अंदर की स्टफिंग बाहर ना निकले, बट दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट आई फील व्हाइल मेकिंग करंजी। सो या ऐसे 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 ये मेरे लिए चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि जो इससे पहले मैंने बनाए थे ना दो मैंने खराब कर दी वो मैंने खराब कर दी थी मुझसे वाली, बहुत दिनों बाद में बनाने गई And then I was like, okay, all right. इसको अच्छे से ऐसे ऐसे प्रेस करना है आपको एंड ये देखो यहाँ से थोड़ा बाहर निकला, कोई बात नहीं, तो इसको साइड में करेंगे थोड़ा सा प्लेटफॉर्म में ना फेंक देंगे। एंड द मोस्ट लव पार्ट अबाउट मेकिंग करंजी गाइस, आई लव दिस मतलब ये देखो ये व्हील्स जो है ना उससे शेप आएगा करंजी को बेसिकली। तो अभी ये ऐसे ये करने में मुझे बहुत मजा आता है, लाइक वाओ इट्स क्यूट, परफेक्ट शेप और साइज में तो ये करंजी नहीं बनी है, बट ठीक है मेरे कॉम्पिटिटर को देखो, उनकी करंजी देखो, मेरे कॉम्पिटिटर है मेरी वहिनी साहेब जो मुझे अभी मोदक बनाना भी सिखाएगी इसके बाद, और मैं सीखूंगी क्योंकि अभी चर्चा हो रही थी कि शादी के बाद क्या करोगी, सासू माँ को क्या जवाब दोगी, मम्मी ट्रेनिंग दे देगी। अब ये एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है वो निकालना है, इसके एंड से ऐसे निकालने हैं। मेरे को ये वीडियो बनाने के लिए कोई नहीं मिल रहा था, मैंने भाई को ऐसे थोड़े टाइम के लिए बुलाया तो वो बोला फटाफट करो, कितना बकबक कर रहे, तो फटाफट कर रहे। ये हमने रख दिया साइड में, इसका इस्तेमाल वापस से कर सकते हैं आप रोटी बनाने के लिए। और ओह शिट ये देखा, ये परफेक्ट नहीं बनाया, ये मुझे अभी
देखो रिएक्शन देखो ये बोल रहे तुम क्यों गिरे गिरे पिकनिक तो कर रहे तो मैंने करंजी बनाई जो नैवेद्य के लिए बनाई थी। अब ये प्रसाद के लिए हम अलग से ढेर सारी करंजी बना रहे हैं। और यहाँ पर जो बैकयार्ड है मेरे फार्म हाउस के लिए यहाँ पर इतना खूबसूरत है, ये कपड़े सुखाए हैं। सी इट्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब यहाँ पे मैं पढ़ाई एंड ऑल भी करती थी बचपन में। वहाँ पर फार्म है पूरा जो कि हमारा नहीं है। बढ़िया, हमारे बैकयार्ड में फार्म है। आई लव इट, आई लव ऑल दिस ट्रीज, प्लांट्स, कोकोनट ट्रीज, बहुत सारे कोकोनट ट्रीज है यहाँ पर। अभी मेरे को बहुत नींद आ रही है, आई एम टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम मेकिंग करंसी, बट आई विल बी बैक। आई विल गो होम, आई विल टेक अ नैप एंड देन कम बैक अगेन, एंड देन हम देखेंगे कितनी सारी करंसी बनाई है हमने। ओके बाय। किती गेला आपण करंजा टोटल? किती झाल्या? 300. द टार्गेट वॉज फॉर 500, 500 करायचे होते पण 300 तरी झाले करंजा उगाच नाही। तरी किती करायचे होते ते? 1000, बापरे किती आहे? 100. दमले मी, नशीब मी झोपून आलेले थोडस। ओके आई, डिस्कशन चल रहे और 100 बनाने हैं, 150 बनाने हैं, बट आई एंजॉयड द प्रोसेस एंड मजा आ गया बातें बातें करने में। 500 आज होणार झाले? ओ सॉरी द नंबर वॉज रॉन्ग, 300 नाही,
करंजी बन गए है. वाव जी मी उगाच बोलत नव्हते मला वाटलेलंच 500. ओ माय गॉड वाह वाह शाबाश अम्मा आय एम प्राउड ऑफ यू. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना. कैसे लगा हमारा करंजा? ये रमेश काका है, ये बोल रहे हैं कि मैं बचपन में जितनी मस्ती करती थी अभी भी उतनी मस्ती करती हूँ. ही वॉज जस्ट रिमेम्बरिंग द चाइल्डहुड डेज. अम्मा मस्त झालत करंजा. थैंक यू. वही नहीं मजा आली करंजा करायला. मी शिकले की नाही शेवटपर्यंत. आणि फायनली मला करंजा बनवायला जमला की नाही. चांगलं बनवलं की नाही मी. एवढं घर नाही बोलायचं. माझा व्लॉग सुरू आहे थोडं काहीतरी. बरं बरं बोल. हाजी बहिणी काय झालं? बेचारी मेरी भाभी अपने बच्चे के पीछे ही रहते हैं. उसे बहुत परेशानी. चलो फाइनली वी आर डन विद द डे. आज करंजी बनाई हमने और कल डेकोरेशन होगा, प्रिपरेशन होगा और भी अच्छा. बट मेरे घर में इतना शोर हमेशा ही रहता है. मैं जब भी व्लॉग बनाने जाऊँ मुझे से कुछ ना कुछ कोई ना कोई बातें करते रहते हैं क्योंकि इतने सारे लोग हैं हमारे घर में. एनीवेज आई होप आपको ये करंजी स्पेशल व्लॉग पसंद आया हो और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर. बोलना शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. कोई मेरे चैनल को प्रमोट नहीं करता. अम्मा सांग शेयर 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 और सब्सक्राइब सब्सक्राइब. थैंक यू. ओके बाय. गणपति बप्पा मोरिया. क्या बोलते हैं?